बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से पूरा भारत चिंतित है। हिंदू संगठन और साधु संत विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में धर्मनगर हरिद्वार के साधु संतों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली हरिद्वार के कुचली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर संपन्न हुई, जहां पर संतों हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट उन्होंने मौन रखा। इस आक्रोश रैली में शामिल संतों का कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वो तत्काल रुकने चाहिए। भारत सरकार और यूएनओ के इस हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं की रक्षा की करें। ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज जैन समाज रहता है, उनकी जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये संतों का जो आक्रोश था उसकी एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसका समापन हर की पौड़ी पर हुआ है। जिन भाई और बहनों ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया बांग्लादेश में जिनके साथ अत्याचार हुआ है, धर्म स्थानों पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर के पूरा साधु समाज आक्रोशित था। तो हम लोगों ने मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी कि भगवान शिव और माँ भगवती गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे, और भारत सरकार से मांग की भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।